नमस्कार, मैं मुस्कान कनौजिया और आप देख रहे हैं एसीसी न्यूज़ टुडे। कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में ज़्यादातर कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। पिछले 2 साल से ज़्यादा वक्त से भारतीय भी घर से ही काम कर रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम से लोगों को बहुत सी चीज़ों में राहत है, आर्थिक बचत भी और खुद के लिए काफ़ी वक्त भी। मगर ज़्यादा मज़ा भी कभी कभी सज़ा में बदल जाता है। एक बीमारी के बचने के लिए हम कई बीमारियों को दावत भी दे रहे हैं। जी हाँ, ये सच है, अगर वर्क फ्रॉम होम में आप ये गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर आपकी सेहत को खतरा हो सकता है। वो क्या गलतियाँ हैं ये हम आज आपको बताएंगे, क्योंकि जब हेल्थ सही रहेगी तभी तो आप भी अच्छे रहेंगे। गलत पोस्चर आपको दे सकता है बेइंतहा दर्द। घर पर लोग अपने बैठने के तरीके पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, कहीं लेट कर तो कहीं अटपटे तरीके से बैठकर काम कर रहे हैं। नतीजा, आपकी गर्दन से लेकर कमर तक में दर्द होगा, आपको सर्वाइकल जैसी समस्या होने का खतरा रहता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ में प्रकाशित एक स्टडी के मुताबिक घर से काम करने वाले 41.2% लोगों ने पीठ के निचले हिस्से में दर्द की बात की है, जबकि 33.5% के गर्दन में दर्द हुआ है। लगभग आधे से ज़्यादा लोगों ने कहा है कि वर्क फ्रॉम होम में उनकी गर्दन का दर्द 50% ज़्यादा बढ़ गया है। मांसपेशियां हो सकती है कमज़ोर। वर्क फ्रॉम होम में लोग अपने सेंटरिंग अरेंजमेंट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इससे उनकी कलाई की पोजीशन सही नहीं रहती है और उस पर ज़्यादा दबाव पड़ता है, ख़ास तौर से कलाई स्ट्रक्चर में मौजूद टेंडर पर, जिसे कार्पल टनल कहते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम की वजह से आपके हाथों की उंगलियों में झनझनाहट होने लगती है, हाथ सुन्न पड़ जाता है, यहाँ तक कि मांसपेशियाँ भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। मेंटल हेल्थ भी प्रभावित हो सकती है। वर्क फ्रॉम होम में सारा दिन घर पर बंद रहकर काम करना आपकी मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक है। सामाजिक अलगाव और अकेलापन आपके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। एक सर्वे के मुताबिक लगभग आधे 41% ने कहा है कि वे घर से काम करने के बाद से तनाव, चिंता और अस्वास्थ्य का अनुभव कर रहे हैं। वहीं 73% ने कहा है कि उनका तनाव, चिंता और अवसाद वर्क फ्रॉम होम के बाद पहले से बढ़ गया है।